कर्नाटक के पूर्व मंत्री और अरबपति खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी को केंद्रीय अपराध शाखा ने आज गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पूंजी भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को चली कई घंटों की पूछताछ के बाद हुई है। बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने रेड्डी के करीबी सहयोगी अली खान को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल हुआ खत्म। पूंजी घोटाले में नब गए जनार्दन रेड्डी, क्राइम ब्रांच ने रेड्डी को किया गिरफ्तार। 600 करोड़ रुपए के पूंजी घोटाले में पिछले तीन दिनों से लुका छिपी का खेल खेलने वाले कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को आखिरकार केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। We have taken the decision on the basis of credible evidence and witnesses statement and all like legal scrutiny of all the evidences we have done and on that basis we have come to a conclusion that it requires his arrest. इससे पहले 600 करोड़ रुपए के पूंजी घोटाला मामले में तीन दिनों से जनार्दन रेड्डी बचने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि जनार्दन रेड्डी ने एक अज्ञात स्थान से एक वीडियो संदेश जारी कर ये साफ करने की कोशिश की थी कि ना तो वो फरार हैं और ना ही उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है। गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज द सोल A priority of the investigation getting department. No question of political vendetta or political intervention in such cases. वीडियो संदेश जारी करने के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी शनिवार को सीसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए। रेड्डी अपने वकीलों के साथ एक कार में सीसीबी कार्यालय पहुंचे और उनके साथ उनके करीबी अली खान भी मौजूद थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार के मुताबिक रेड्डी से शनिवार शाम 4 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी, जो रात भर चलती रही। इससे पहले अपराध शाखा ने रेड्डी के बिल्लारी स्थित आवास पर छापेमारी भी की थी। दरअसल शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि रेड्डी लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद आखिरकार वो गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले जनार्दन रेड्डी करोड़ों रुपए के खनन घोटाले में भी जमानत पर हैं। ऊपर से पूंजी घोटाले में हुई गिरफ्तारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।